हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। अगर आप बीसी नर्सिंग 2024 में करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि कब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का फॉर्म आता है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं, कब एग्जाम होता है, कैसे होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, और बहुत सारे अगर आपके मन में प्रश्न है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, आपको सही जानकारी मिल पाएगी। चाहे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, चाहे दिल्ली से, चाहे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो 2024 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। कॉमनली बच्चों के मन में डाउट ये रहता है कि सर हम यूपी से बिलोंग करते हैं, क्या हम आरयूएचएस राजस्थान का फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप यूपी में हैं तो आप सिर्फ यूपी का ही बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ राजस्थान का दे सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो सिर्फ बिहार का ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पहला डाउट रहा बच्चों का जो मन में रहता है। दूसरा डाउट ये है कि अगर हमें यूपी से, हम पढ़ाई की है, हमने यूपी के रहने वाले हैं, किसी अन्य राज्य से अगर हम बीएससी नर्सिंग करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो जी हाँ, बिल्कुल, उसके लिए भी एक प्रावधान है। एम्स बीएससी नर्सिंग एक जरिया है जिसके माध्यम से आप बीएससी नर्सिंग किसी अन्य राज्य में कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें आप किसी भी राज्य में एडमिशन ले सकते हैं अपने नंबर, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। पहला डाउट मोस्टली बच्चों का ये रहा। दूसरा बच्चों का ये रहा कि कैसे क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, क्या सिलेबस रहता है। तो देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें, क्या सिलेबस की बात करें, सिलेबस में मेनली अधिकतर जो राज्य हैं एम्स को लेकर के भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये आपके चार विषय आते हैं। कुछ राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ वो नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश पूछते हैं। कुछ राज्यों में नर्सिंग एप्टीट्यूड की जगह वो रीजनिंग पूछ लिया करते हैं, जस्ट लाइक एम्स। एम्स में आपसे रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हर एक राज्य का अपना अपना एक क्राइटेरिया है। धीरे धीरे करके अगर आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर उसके बारे में आप कमेंट करोगे, सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के ऊपर क्या क्राइटेरिया है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाए इस प्रकार से। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उसके ऊपर कमेंट करें, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दी जाएगी क्या फुल सिलेबस रहने वाला है आपका। और साथ ही साथ में इसी प्रकार से सिलेबस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मेन सब्जेक्ट रहते हैं। कुछ आपके एक दो सब्जेक्ट एडिशनल आ जाते हैं, जैसे रीजनिंग, जैसा कि मैं रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, या फिर आपका इंग्लिश आ जाता है, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का प्रश्न पत्र होता है। यानी कि जब भी आप अगर पेपर नर्सिंग का करने जाएंगे, आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 200 के 200 करने अनिवार्य है अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं। देखो, अगर पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर 60% से 70% अगर आप नंबर लेके आते हो, आपको एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन हो जाएगा निश्चित रूप से। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आप इतना लेके आते हो तो आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा किसी न किसी कीमत पर। अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न वो एमसीक्यू वाइज होता है। एमसीक्यू वाइज मतलब आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, उस प्रश्न के चार ऑप्शन रहेंगे, उस चार ऑप्शन में से आपको एक सही वाला चुनाव करना है। उसके बाद आपको ओएमआर सीट दी जाएगी, उस ओएमआर सीट में गोला भरना है। देखो, बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो बच्चे मिस कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो कब करना था, कब नहीं करना था, कब एग्जाम की डेट आई, कब नहीं आई, कब एडमिट कार्ड निकला, कब रिजल्ट आया, इन सभी चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं। इन्हीं सारी जानकारियों से अप टू डेट रह सके, इसकी सुविधा के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपका फायदा ये होगा कि जब भी कोई भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, किसी भी राज्य से आप संबंध रखते हो, आपकी कोई भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी आती हो तो उस ग्रुप में सबसे पहले आपको दे दी जाएगी, उसके बाद ही कोई वीडियो यूट्यूब पे आएगी। तो सब यूट्यूब के जरिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आगे हम बात करें कि तैयारी कैसे करनी है। फाइनली बात ये आती है, चलो ठीक है, आप बता दोगे कि फॉर्म आ गया, हम भर लेंगे, आप बता दोगे एडमिट कार्ड आ गया, हम डाउनलोड कर लेंगे, आप बता दोगे एग्जाम इस दिन हम चले जाएंगे, इस तरीके से काउंसलिंग करनी है, हम चले जाएंगे, लेकिन हमें तैयारी करनी और करनी कैसे है, तो इसके लिए मैं सीधी सी बात बताना चाहूंगा। आप अगर टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए हैं तो टारगेट गुरुकुल को आज से ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी 7 से 8 महीने बचे हुए हैं आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को होने में। टारगेट गुरुकुल आपके लिए लेके आने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए कोर्स, आप चाहे किसी भी राज्य से तैयारी पढ़ रहे हो, आपके लिए पूरी पूरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो टारगेट गुरुकुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे कराने वाला है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पुराने हैं तो अपने किसी ऐसे दोस्त को रिकमेंड करें जिसको इसकी जरूरत हो, ठीक है। फिर इसी के साथ अगर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग
एबीवीएमयू का क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आया है, आते हैं। इसी प्रकार से एक एक करके सभी राज्यों के हम वीडियो इसी प्रकार से बना लेंगे, और जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं अगर उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। और जरूरी बात ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।